लाना और लैशली ने किया रूसेव पर धोखे से वार, सेथ रॉलिंस की हुई तगड़ी जीत और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रही। आज की रॉ के अंदर दोस्तों हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल गई जो कि देखने को नहीं मिलनी चाहिए थी। आज की रॉ की शुरुआत हुई पेज की एंट्री के द्वारा। पेज दोस्तों सबसे पहले रॉ का किक ऑफ की और रिंग के अंदर आई, जहां दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो ये कहती है कि आज से कुछ समय पहले वो एक टीम को हम सभी से इंट्रोड्यूस कराई थी, जो कि है काबुकी वॉरियर्स। काबुकी वॉरियर्स वहां आती है और उन्हें ज्वाइन करती है। तीनों रिंग के अंदर खड़ी होती है और पेज तारीफ करने लगती है वहां काबुकी वॉरियर्स की, कि आस्का दोस्तों उनसे माइक छीन लेती है। जहां दोस्तों माइक छीनने पर वो कुछ जैपनीज में कहती है, कि उसके बाद कायरी सेन भी कुछ जैपनीज में कहती है और जैसी दोस्तों पेज मुड़ती है आस्का की तरफ, आस्का उनके मुंह के ऊपर ग्रीन मिस्ट थूक देती है, जिसके तहत दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि पेज हो जाती है अंधी और वहां दोस्तों बैकी लिंच की एंट्री होती है। बैकी लिंच दोस्तों अपनी एंट्री पर दोनों को पीट कर कर देती है बाहर, यानी कि कायरी और आस्का को, जिसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है कायरी सेन वर्सेस बैकी लिंच के मध्य। इस मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि आस्का गंद डालने की कोशिश तो करती है लेकिन बैकी लिंच उन्हें ओवरपावर्ड कर जाती है और मैच का अंत होता है दोस्तों डिसआर्मर के जरिए, जहां दोस्तों बैकी लिंच विजय रहती है। इस मैच के बाद दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि बैकी लिंच वहां पॉइंट आउट करती है आस्का को, यानी कि आगे जाकर आस्का वर्सेस बैकी जरूर होगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी थिंग हमें रॉ के अंदर देखने को मिली वो रही दोस्तों आर त्रुथ का सेगमेंट। तो आर त्रुथ का दोस्तों आज इंटरव्यू हुआ, जहां आर त्रुथ दोस्तों रिंग में आकर ये चीज कहते हैं कि वो 24/7 चैंपियनशिप को फिर से हथिया लेंगे, कि तभी दोस्तों वहां आ जाते हैं बड़ी मर्फी। बड़ी मर्फी दोस्तों उन्हें चुनौती दे देते हैं और दोनों के बीच होता है 1-on-1 मैच। इस मैच के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है कि जैसे ही दोस्तों आर त्रुथ मैच के अंदर पकड़ बनाते हैं, वहां आ जाता है 24/7 डिवीजन पुरुषों वाला। वो सभी रिंग के इर्द गिर्द घूमते हैं और आर त्रुथ का ध्यान भटक जाता है और उन्हें लगती है दोस्तों एक नी, जो कि लगाते हैं बड़ी मर्फी 1-2-3। वहां दोस्तों मर्फी मैच में विजय रहते हैं। तो गाइस 24/7 डिवीजन जो है वो आर्थर का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आर्थर नॉर्मल मैचेस भी हार रहे हैं 24/7 चैंपियनशिप के पीछे। बात कर लीजिए उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस उसके बाद हमें देखने को मिली स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री, जो कि इस बारी दोस्तों अपना कैच फ्रेज सारे लोगों में फैलाए। उनका कैच फ्रेज था वी वॉन्ट द स्मोक, वी वॉन्ट द स्मोक। ये चिल्लाते चिल्लाते वो आते हैं, ये चिल्लाते चिल्लाते वो ऑडियंस में से चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हमें रॉ के अंदर देखने को मिली वो था हल्क होगन की एंट्री। हल्क होगन दोस्तों आज रिंग के अंदर आए, जिन्हें ज्वाइन किए रिक फ्लेयर। दोनों के बीच में एक छोटा सा फेस ऑफ होता है, जिसके बाद दोस्तों हमें दोनों की टीम्स के मेंबर्स आते हुए नजर आते हैं। जहां दोस्तों होगन की तरफ से आए रिंग के अंदर रिकोशे, वहीं दोस्तों फ्लेयर की तरफ से आए ड्रू मैकइंटायर। दोनों के बीच में दोस्तों पहले से मैच तय था। मैच हुआ काफी बढ़िया, मैच था काफी मजा आया इस मैच को देखने में, पर मैच का जो अंत हुआ वो उससे भी बढ़िया था। मैच के अंतिम क्षणों में चीज देखने को मिलती है कि रिकोशे जो है वो पूरी पकड़ बना लेते हैं और 630 लगाते हैं, जिसे दोस्तों ड्रू मैकइंटायर कर देते हैं डॉच। लेकिन तभी दोस्तों कहीं से आकर उन्हें लग जाता है आरकेओ, जो कि लगता है रैंडी ऑर्टन की तरफ से। रैंडी ऑर्टन का जो आरकेओ था ये आउट ऑफ नोवेयर था, जिससे लोग हो जाते हैं पागल और वहां दोस्तों उनका नाम चिल्लाते हैं रैंडी रैंडी। और दोस्तों इस सेगमेंट का यानी कि इस मैच का अंत हमें देखने को मिलता है कि वहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकइंटायर और रिक फ्लेयर अपनी वाहवाही लूट रहे होते हैं। तो गाइस इस तरीके से इस थिंग का अंत हुआ। बात कर लीजिए उसके बाद क्या हुआ, तो गाइस उसके बाद हमें देखने को मिले वाइकिंग रेडर्स एक्शन में, जहां वाइकिंग रेडर्स इस बारी लोकल कॉम्पिटिटर्स को फेस किए और गाइस इस मैच को उन्होंने 1-2 मिनट में आसानी से जीत लिया। जहां एक फिनिशर लगा लोकल कॉम्पिटिटर को, वहीं दोस्तों उसने दम तोड़ दिया। बात कर लीजिए उसके बाद क्या हुआ है, तो गाइस उसके बाद जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो था दोस्तों सिन कारा वर्सेस अंद्रादे। अब ये मैच दोस्तों पिछली रॉ के जैसे रीमैच था, तो इसके अंदर दोस्तों हमें सेम थिंग देखने को मिली है, लेकिन एक चेंज इसके अंदर ये था कि सिन कारा इस बारी ज़ेलिना वेगा को संभालने के लिए एक और लड़की अपने साथ लेकर आए थे और उसका नाम दोस्तों कैटेलिना बताया गया, वो भी मास्क पहनी हुई थी। मैच स्टार्ट होता है, मैच के अंदर क्या चीजें देखने को मिलती है कि ज़ेलिना वेगा इंटरफेरेंस की कोशिश करती है कि उन्हें संभाल लेती है कैटेलिना, लेकिन दोस्तों वहां अंद्रादे रोप के सहारे पिन करने में कामयाब रहते हैं सिन कारा की और इसके अंदर अंद्रादे जीत जाते हैं। तो गाइस अंद्रादे जो है मैच को जीत गए और सिन कारा का अपने साथ बंदी लाना सही नहीं बैठा। बात कर ली जाए उसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस उसके बाद हमें
आइकॉनिक्स एक्शन में देखने को मिली, जहां दोस्तों आइकॉनिक्स ने आज फेस किया नटालिया और शाओलेट की टीम को। यहां दोस्तों इस मैच में हमें क्या चीज देखने को मिलती कि शाओलेट और जो नटालिया है वो काफी पावरफुल नजर आई और उन्होंने दोस्तों आसानी से हरा दिया आइकॉनिक्स को, जहां दोस्तों शार्प शूटर लगाई नटालिया बिली के टैप आउट कर गई। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो था दोस्तों सेथ रॉलिंस वर्सेस एरिक रोवन के बीच में फॉल्स काउंट एनीवेयर। अब ये मैच दोस्तों हमने सोचा था कि इसके अंदर फिंड की इंटरफेरेंस होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैच दोस्तों काफी क्लासिक वे में बुक किया गया, काफी बढ़िया मैच था। मैच की शुरुआत में दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस और जो एरिक रोवन है वो रिंग से लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं हॉलवे में, जहां दोस्तों जो एरिक रोवन है वो लगाते हैं एक चौक स्लैम टाइप का आपके सेथ रॉलिंस को टेबल के ऊपर, जिससे दोस्तों टेबल टूट जाता है और उसके बाद वो उनकी पिन करने लग जाते हैं, लेकिन वहां पिन नहीं होती। उसके बाद दोस्तों फिर से सेथ रॉलिंस एरिक रोवन लड़ते लड़ते रिंग के पास आ जाते हैं। वहां दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि अनाउंसिंग टेबल के ऊपर एरिक रोवन फिर से आयरन क्लॉ लगाने लग जाते हैं सेथ को, लेकिन सेथ लगा देते हैं उन्हें कर्ब स्टॉम्प। फिर उससे दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वहां भी वो नहीं रुकते हैं और लड़ते लड़ते बैक स्टेज एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां दोस्तों ये चीज होती है कि जो सेथ है वो लैडर के ऊपर कर्ब स्टॉम्प लगाते हैं, लैडर को बिछाते हैं उसके ऊपर कर्ब स्टॉम्प लगाते हैं एरिक रोवन को, जिससे एरिक रोवन वहां लुढ़कते हुए पहुंच जाते हैं क्रेन के नीचे, यानी कि फोकलिफ्ट क्रेन के नीचे, और सेथ वहां क्या करते हैं कि फोकलिफ्ट क्रेन को उनके ऊपर धसा देते हैं और उसके ऊपर खुद खड़े होते हैं। रेफरी 1-2-3 गिनता है, अब क्रेन ऊपर चढ़ी हुई थी तो दोस्तों एरिक रोवन पिन को नहीं तोड़ पाते हैं और सेथ विजय रहते हैं। तो चलाकी से दोस्तों सेथ वहां विजय रहे और मैच को जीत गए। बात कर ली जाए उसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला कि लाना और लैशली बैकस्टेज किसी सोफे पर बैठे हुए हैं और लैशली उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वो तलाक ले ले रूसेफ से। उसके बाद दोनों के बीच में किस होता है और सेगमेंट हो जाता है खत्म। इसके बाद दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि अलस्टर ब्लैक भी बैकस्टेज सेगमेंट काटते हैं, जिसके अंदर वो तबाही लाने की बात करते हैं नेक्स्ट टाइम। उसके बाद जो चीज हमें देखने को वो था दोस्तों एक मैच, एक 1-on-1 मैच जो कि हुआ OC के AJ Styles बनाम न्यू कॉम्पिटिटर यानी कि दोस्तों आपके हम्बर्टो के बीच में। तो हम्बर्टो हमें पिछली रॉ में अपना रॉ डेब्यू करते हुए नजर आए थे, इस बार दोस्तों वो फेस किए AJ Styles को। मैच हुआ दोनों के मध्य, काफी बढ़िया मैच था, लेकिन मैच का अंत होता है दोस्तों AJ Styles के सबमिशन के द्वारा, जहां दोस्तों हम्बर्टो टैप आउट कर जाते हैं, जिसके बाद क्या चीज देखने को मिलती है कि AJ भी उनके यानी कि सेथ के जैसे उनके साथ हाथ मिलाने की एक्टिंग करते हैं, हम्बर्टो हाथ मिलाने लगते हैं कि वहां दोस्तों जो AJ वो हाथ हटा लेते हैं। उसके बाद हम्बर्टो उनके ऊपर धावा बोलते हैं कि AJ को आ जाता है गुस्सा, वो उन्हें लगा देते हैं वहां स्टाइल्स क्लैश। उसके बाद OC भी उनकी पिटाई करने लग जाती है कि वहां आ जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स रेस्क्यू को और वहां हम्बर्टो को वो बचाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो था दोस्तों हमारे मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग का हिस्सा, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से 18 प्लस था। अगर आप रॉ को देखे हैं 18 से कम है, और अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं और आप 18 से कम है, तो आपको वीडियो को यहीं छोड़ देना चाहिए। ये काफी अश्लील होने के साथ साथ दोस्तों काफी एक्सप्लिक्ट भी था। तो इसके अंदर क्या देखने को मिला, तो गाइस इसके अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि जो रूसेफ और लाना है उनके बीच में दोस्तों तलाक होना था, जो कि किंग्स कोर्ट में होना था, यानी कि जेरी लॉलर ने कराना था। तो गाइस जेरी लॉलर सबसे पहले रूसेफ को बुलाते हैं, रूसेफ वहां आते हैं, उसके बाद लाना आती है जो कि काफी अच्छी ड्रेस में आ रखी थी। दोनों रिंग के अंदर आते हैं और अपने अपने पक्ष एक दूसरे के सामने रखते हैं, जहां दोस्तों सबसे पहले जो जेरी लॉलर है वो मेंशन करते हैं कि रूसेफ अभी भी तुमसे प्यार करता है लाना, और देखो इसने अभी भी तुम्हारे नाम की अंगूठी हाथ में पहनी हुई है। जिस पर दोस्तों लाना ये चीज कहती है कि जो रूसेफ है उसने हमेशा अपने रिलेशन में अपनी ही सोची, मेरी कभी नहीं सोची, वो हमेशा मुझसे सेक्स ही चाहता था, सुबह शाम दिन रात वो सिर्फ यही चाहता था कि वो मुझसे सेक्स करे। जिस पर दोस्तों रूसेफ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जिसके बाद लाना कहती है कि ऐसा ही है, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ा है। जिस पर दोस्तों जेरी लॉलर लाना से पूछते हैं क्या तुम इसीलिए उनसे तलाक चाहती हो कि रूसेफ तुमसे एक बच्चा चाहते थे, जिस पर दोस्तों लाना कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, रूसेफ ने मुझे चीट किया है। जिस पर दोस्तों जो रूसेफ है वो कहते हैं कि तुम्हें किसने ये चीज कह दी, जिस पर दोस्तों लाना कहती है कि लैशली ने मुझे साफ साफ बताया कि तुम एक धोखेबाज हो। जिस पर दोस्तों रूसेफ कहते हैं कि लैशली खुद झूठा है, कि तभी दोस्तों वहां हमें देखने को मिल जाता है कि लैशली अपनी एंट्री लेते हैं
और रूसेफ और लैशली के बीच में हो जाती है तगड़ी ब्रॉल। वहां रूसेफ दोस्तों लैशली को पीटने लग जाते हैं और काफी गंदी पिटाई भी करते हैं, और एक चीज वो ये करते हैं कि अपनी रिंग उनके मुंह में डाल देते हैं। और जैसे ही दोस्तों वो उन्हें लटाने लगते हैं कि दोस्तों पीछे से आ जाती है लाना कैंडो स्टिक के द्वारा हमला कर देती है रूसेफ की पीठ के ऊपर, लेकिन रूसेफ को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। होता गया कि डिस्ट्रैक्ट वो हो जाते हैं और लैशली लगा देते हैं उन्हें लो ब्लो, जिसके बाद रूसेफ वहां गिर जाते हैं। उसके बाद लैशली क्या करते हैं, दौड़ते हुए आते हैं और एक और लात वहीं टका देते हैं और रूसेफ वहां पड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि लाना और लैशली रूसेफ के ऊपर करने लग जाते हैं किस, एक तरीके का चुंबन, और रॉ का हो जाता है अंत। तो रॉ का अंत दोस्तों एक हील विक्ट्री के साथ हुआ। वहां दोस्तों जो लाना और लैशली है वो हील है और उन्होंने दोस्तों रूसेफ को स्क्रू कर दिया और इस तरीके से रॉ का अंत हुआ। काफी गंदे तरीके से या फिर कह लीजिए विभत्स तरीके से रॉ का अंत हुआ है, अश्लील तरीके से मतलब। और इस बारी की रॉ दोस्तों अंत तो काफी अच्छा कर गई, यानी कि यंग एज वालों को जो कि अडल्ट है उन्हें तो काफी बढ़िया लगा। बच्चों के लिए सही नहीं था, जो कि माता पिता के साथ देख रहे थे उनके लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं था। बट रॉ ओवरऑल काफी एवरेज रही। मैं इसे कुल मिलाकर दूंगा 3.8 स्टार। आप कितने स्टार देंगे कमेंट करके मुझे बताएगा जरूर। बट आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।